हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी। दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। दोस्तों कैप्सूल कोर्स का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो लाइव प्रोसेस जो है वो आ चुका है और कैप्सूल कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहे हैं, तो आप सभी जाकर के प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा और ये वीडियो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज में मैं चैप्टर जो फिनिश करने वाला हूँ वो फिनिश करने वाला हूँ दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों अब दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं, चाहे प्लांट्स हार्मोन्स हो चाहे एनिमल हार्मोन्स हो, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम एंड ह्यूमन ब्रेन, तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग इतने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जहाँ पे दोस्तों ब्रेन की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस के बारे में। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम में, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, एक्शन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों हम लोग वहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे दोस्तों हम आपसे बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स या ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में, जो कि एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक टॉपिक होगा। और दोस्तों तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सॉरी, आता है हमारा प्लांट हार्मोन्स, जहां पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एटसेट्रा। तो दोस्तों वहां पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स का और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी कंप्लीट फिजियोलॉजी, जहां पे दोस्तों वो क्या किस तरीके से फंक्शंस करते हैं प्लांट पे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और ओवरऑल एक पूरा कंप्लीट कंपोजिशन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए चाहे वो कोई हमारा एनिमल हार्मोन्स हो या फिर अगर मैं बात करूँ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम हो, ये सभी दूसरों से दोस्तों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब अगर मैं बात करूँ तो कोई भी हार्मोन्स किसी भी तरीके का सिग्नल्स या किसी भी तरीके से इफेक्ट करता है, लेकिन उस हार्मोन्स को जो इन्फॉर्मेशंस या फिर उस हार्मोन्स को जो सिग्नल्स दिए जाते हैं वो बेसिकली दोस्तों होते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, ठीक है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एंडोक्राइन सिस्टम की, तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन के थ्रू दिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड होती है उसमें बहुत सारी ग्लैंड ऐसी होती हैं जो कि दोस्तों क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक अचानक सी बात आपसे करूं कि सामने से मान लो कि मैं कोई एक ऐसा सीन देख लेता हूं जिसको देख करके काफी फियर सा फील हो जाए, मतलब बहुत डर लगे हमें, तो क्या होता है दोस्तों कि डर के टाइम पे हमारी हार्ट बीट और जो हमारी एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, तो एड्रेनालिन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्रीट होने लगता है और जो हार्ट बीट होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो आपने क्या देखा कि आंखों ने देखा दोस्तों उस चीज़ को, आईज से क्या हुआ कि वो हमने एक तरीके से जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उन्होंने इन्फॉर्मेशंस दी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाट दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी कि अब उसने क्या किया कि ये थैलेमस जो कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, देन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशंस आती है और उसके बाद वो हार्मोनल लेवल में कन्वर्ट होती है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन चली जाती है। मतलब कि कंप्लीटली तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आपने एक सीन देखा, वो एक न्यूरॉन सेल से शुरू हुआ, एक नर्वस सिस्टम से शुरू हुआ, एक सेंसरी न्यूरॉन से शुरू हुआ और वो ख़त्म कहाँ पे हुआ, जाकर के हार्मोन्स पे ख़त्म हुआ। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब कि हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, देखते हैं या फिर किसी भी तरीके का पेन लेते हैं, तो दोस्तों ये क्या है कि एक तरीके से हम कोई स्टिमुलस ले रहे हैं और वो स्टिमुलस के प्रति क्या हो रहा है, हमारा जो रिफ्लेक्स होता है, जो एक्शन होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो हार्मोनल भी हो सकता है और कभी कभी वो न्यूरॉन के बेसिस पे होता है। जैसे आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे आपको अगर कांटे लग जाते हैं कहीं पे किसी भी बॉडी पार्ट्स में, तो आप वहाँ से हाथ में लगे या पैर में लगे, क्योंकि बॉडी में हर जगह पे हमारे न्यूरॉन सेल्स मौजूद हैं, मतलब कि हमारे हम हर जगह पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो मौजूद है, वहाँ से हम लोग सेंस को कैच कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पेन होता है, बर्न होती है स्किन, तो वहाँ से वो हम लोग जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बेसिकली इसीलिए दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हर जगह पर होता है, तो हमारे बॉडी क्या करती है उसके प्रति रिफ्लेक्स करती है। रिफ्लेक्स कैसे करती है, अब जैसे कि मान लो कि यार ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी ने आपको तमाचा मार दिया तो जाहिर तौर पे आपको भी तुरंत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है
कि अगर आपको कोई बेवजह इस तरीके से करता है तो आपको गुस्सा आती है, और हमारी जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। अब उसमें हमारे हार्मोन्स का कई दफ़े रोल होता है, अगर हमारे हार्मोनल बैलेंस, जो भी हार्मोन्स उस समय डोमिनेंट होगा वो अपनी एक्टिविटी वहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात इतनी हमें ध्यान में रखनी है, टोटल जो बात को ध्यान में रखनी है कि ब्रेन, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, या फिर जो भी हमारे अदर्स भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस का ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और इंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी दोस्तों जो है वो एक साथ ही काम करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं कम्प्लीटली, और एक एक करके सभी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे दोस्तों, कि कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रही, स्टिमुलस। क्या मिल रही है? स्टिमुलस। स्टिमुलस इज़ वॉट दोस्तों? जब भी हमें क्या लग रहा है, कोई भी, मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आपको कहीं पर कुछ कांटा लग जाता है या फिर आपकी स्किन कहीं से बर्न हो जाती है, तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों। न्यूरॉन्स कई होते हैं, जैसे एफरेंट होते हैं, ई फ्रेंट होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से जहाँ पे भी हमें होता है वहाँ से उस सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होता है जो कि उस इन्फॉर्मेशन को, कि यहाँ पे कांटा लगा, उसको लेकर के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों वो जो कांटा होता है, बेसिकली दैट्स अ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कांटे का लगना हो गया, बर्न होना हो गया, ये अलग तरह का स्टिमुलस है। किसी भी चीज़ को देख करके डर जाना, ये एक अलग तरह का स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस हमारे जो है दोस्तों वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो स्टिमुलस द चेंज इन एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है दैट्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट दोस्तों। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल टेक्स प्लेस बाय नर्वस सिस्टम हार्मोनल सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो, अब ब्रेन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में आता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस उसी के अंदर आता है। ठीक है, ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वो भी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हार्मोनल सिस्टम है, जिससे कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ मैं मेंशन कर दूंगा आपके सामने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, यस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो मेन काम होता है दोस्तों वो न्यूरॉन्स के बगैर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ही तो मिल करके एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाती है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन की बात करूँ दोस्तों तो यस अमेजिंग है ये, कि कई तरीके के पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन को, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है आपके सामने, जैसे कि डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन हिलॉक होते हैं, माइलिन सीथ होती है, नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, एक्सॉन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक नोब होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, जिसको कि बेसिकली सिनेप्टिक नोब से एक्सॉन टर्मिनल को हम लोग इस पोर्शन को दोस्तों पूरा का पूरा टीलोडेंड्रिया भी कहते हैं। ये हमारे बेसिकली डेंड्राइट्स होते हैं, ये हमारी न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे नॉर्मल एक सेल होती है वही होती है, बस इनके स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज होते हैं। तो ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स हैं दोस्तों, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, सिनेप्स। क्या होता है एक्सॉन सिनेप्स, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। एक्सॉन सिनेप्स क्या होता है, जहाँ पे दो, जैसे कि दो जो, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ कि आप जब केबल का कनेक्शन करते हो किसी घर में, आप क्या करते हो, एक कनेक्शन करते हो, तो एक कनेक्शन में क्या करते हो, एक तार को जोड़ते हो बल्ब से, सेम एक ही एक ही एक ही एक ही केबल वहाँ से जाती है, लेकिन आप क्या करते हो उसी से फ़ैन भी जोड़ देते हो, उसी केबल से जा रही होती सप्लाई से, और उसी में लाइट भी जोड़ देते हो, तो दैट्स अ नर्वस सिस्टम दोस्तों। इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम होता है, कि यहाँ से क्या होता है, एक दूसरे न्यूरॉन सेल आपस में, जैसे कि ये एक न्यूरॉन सेल हो गई ए और एक ही न्यूरॉन सेल बी, तो इसका ये हेड पोर, ये इसका टेल पोर्शन है, ए वाले का टेल पोर्शन है और ये बी वाले का हेड पोर्शन, तो ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आती है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ इसमें पहुँच जाती है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप देख रहे हो जैसे कि डेंड्राइट्स है, तो ये इसकी जो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, तो देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में पहुँच रही है, यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, मतलब इसके टीलोडेंड्रिया से कहाँ पहुँच रही है, इसके डेंड्राइट्स में पहुँच रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, टीलोडेंड्रिया से कहाँ पे पहुँच रही है, डेंड्राइट्स में पहुँच रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों ये फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन होते हुए हमारे ई फ्रंट या मोटर न्यूरॉन, जहाँ से रिफ्लेक्स होना है, जहाँ से उसको अपना एक्शन दिखाना है, ठीक है ना, एक्शन दिखाना है, रिफ्लेक्टरी एक्शन दिखाना है, वहाँ पे उस न्यूरॉन में चली गई, इसको हम लोग बोलते हैं ई फ्रंट।
ठीक है। अब फ्रेंड जो लेकर के आ रहा है ई फ्रेंड जो रिस्पॉन्स करेगा वो क्या है दोस्तों, ई फ्रेंड है। तो यहाँ पे ई फ्रेंड के पास जा रहा है एंड देन वो अपना रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो पोजीशन होती है दोस्तों जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ते हैं जंक्शन पे, इसी पोजीशन को दोस्तों हम लोग बेसिकली सिनेप्स नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो केमिकल सिक्रीट होता है, एक न्यूरॉन सेल केमिकल सिक्रीट करती है जिसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं, वो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से मूव करती है यहाँ पे केमिकल के फॉर्म में, फिर इम्पल्सिस के फॉर्म में एक्जॉन में आती है, फिर केमिकल के फॉर्म में दूसरे न्यूरोन में चली जाती है इन्फॉर्मेशन। ये दस अ पाउच ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये पाउच होती है जो कि बेसिकली ट्रैवल करती है और किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, फिर ये किसी ना किसी मसल से जुड़ी होती है और मसल्स ही क्या करती है, जैसे कांटा लगा तो मसल्स में हमारी न्यूरॉन से जुड़ी होती है, तो जैसे इंफॉर्मेशन गई एक तरफ से दूसरी तरफ से जब आई तो वो क्या होता है, वो जो न्यूरॉन सेल होता है वो हमारी मसल्स को इंफॉर्मेशन देगी और हम लोग हाथ वहां से हटा लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये होता है। और बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं इसमें अभी अभी तो बहुत अभी भी शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। उसके दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए एग्जॉन सिनेप्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन, एग्जाम्पल ऑन टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो मतलब कि अचानक से ये ऑटोनॉमस होती है, मतलब कि इसको हम लोग नहीं भी चाहेंगे, मतलब कांटा लगेगा तो हम लोग हाथ हटा लेंगे, तो ये एक ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें दोस्तों, नर्वस सिस्टम यहाँ पे तो दो तरीके के बेसिकली बताए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या था दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और दोस्तों यहाँ पे दो तरीके के बताए गए हैं, लेकिन बेसिकली जो डिफाइन किया गया है उसको और भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को लोग अपने अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो हमें जानना है दोस्तों वो जानना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपको पता है, दैट्स अ ब्रेन एंड अगेन इज़ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक ब्रेन, दैट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दोस्तों जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं उसमें मतलब कि इन दोनों को छोड़ के बॉडी में ओवरऑल जो भी न्यूरॉन सेल हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आते हैं। तो ब्रेन में दोस्तों क्या है कि ब्रेन की जो मेन एक्टिविटी होती है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ये वो सेंटर होता है जहाँ से हम कोई भी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, थिंकिंग। दोस्तों अगर कोई आपको आप कोई भी एक्टिविटी, मतलब मान लो कोई भी स्टिमुलस आप लेते हो, तो अगर उस स्टिमुलस में आपने बिना समय लगाया कोई भी रिस्पांस कर दिया तो वो दोस्तों डिपेंड करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई है, मतलब वो न्यूरॉन सेल जो जो फ्रेंट है, अगर वो सेंसरी न्यूरॉन सेल्स इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक गई तो ब्रेन पहले सोचती है, थिंक करती है, तभी रिस्पॉन्स करती है। तो जो लेट रिस्पॉन्स होता है दोस्तों वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कई तरीके के पार्ट ऑफ ब्रेन है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर फोर ब्रेन है जिसको हम लोग बेसिकली सेरिब्रम कहते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं पार्ट दिखा देता हूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, यस बेसिकली मेरे पास है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पोर्शंस डिवाइड किया है ब्रेन को, जैसे कि फ्रंटल लोब है और ये हमारा पैराइटल लोब है, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है और ये हमारा टेम्पोरल लोब है दोस्तों। तो ये बेसिकली ये क्या है दोस्तों, ये हमने एक ब्रेन को एक अलग जगह से लिया और ये एरियाज हैं जहाँ जहाँ पर हमने इनको लिया है। फ्रंटल लोब जो होते हैं दोस्तों वो कंट्रोल एक्शन करते हैं, लाइक प्लानिंग, डिसीजन, सेटिंग गोल्स, ये सब काम होता है हमारे फ्रंटल लोब का। पैराइटल लोब का दोस्तों काम होता है द सेंसरी प्रोसेस, स्पेशियस, इंटरप्रिटेशन, अटेंशन, लैंग्वेज कंपेरिजन, तो ये सब काम दोस्तों पैराइटल लोब करते हैं। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी परसेप्शंस, लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड विजुअल रिकॉग्नाइजेशन, दोस्तों जो चीज़ें देख करके हम पहचानते हैं वो बेसिकली दोस्तों टेम्पोरल लोब का होता है। ऑक्सीपिटल लोब होता है दोस्तों ये विजुअल इमेज आर पास्ड ऑन पैराइटल एंड टेम्पोरल, जो विजुअल इमेज हम लोग याद रखते हैं वो सभी दोस्तों हमारे ऑक्सीपिटल लोब से होता है। अगर पार्ट की बात करूँ दोस्तों ब्रेन को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट्स अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये तीन बेसिकली पार्ट होते हैं दोस्तों। फोर ब्रेन जो होता है दोस्तों उसमें हमारे आते हैं सेरिब्रम एंड डायसिफेलॉन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेरिब्रम हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन डायसिफेलॉन बहुत ही कम बुक्स में आपको देखने को मिलता है। डायसिफेलॉन की जगह पर दोस्तों वहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस लोग बोल देते हैं। तो दोस्तों ये जो डायसिफेलॉन होता है ये दोस्तों होता है हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस एंड मेटाथैलेमस दोस्तों। अब ये जो पार्ट होते हैं ना दोस्तों डायसिफेलॉन, ये तो यही वो पार्ट होते हैं दोस्तों जो बेसिकली हमारे हार्मोन्स को
रेगुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में सुनना है दोस्तों कि ये ही वो पार्ट होते हैं जो कि हमारे बेसिकली जो हार्मोन्स होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। हिंड ब्रेन जो है दोस्तों उसमें आपके पॉन्स आती हैं, सेरिबेलम आती हैं एंड मेडुला ऑब्लिक गार्ड आते हैं दोस्तों। तो जितने भी कुछ इन्वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उसमें दोस्तों ये बेसिकली फंक्शंस करते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिक गार्ड, जैसे कि थिंकिंग हो गया, ड्रीम हो गई और रेस्पिरेटरी रेट हो गया, लंग्स का, हार्ट का हो गया फंक्शन। तो ये सभी काम दोस्तों बेसिकली मेडुला ऑब्लिगाटा और पॉन्स करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या काम करती है। ये चलिए देखते हैं शायद वहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हमें देखने को मिल जाए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा, तो यहाँ पे आपके सामने तीन पार्ट में है जो तीन मेन एरिया है दोस्तों। उसमें इन्होंने बताया सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया टू रिसीव इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स वाया रिसेप्टर्स। ये यहाँ पे क्या होती है, तीन एरिया होती है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। तो दोस्तों जो सेंसरी एरिया होती है वो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे लेती हैं इन्फॉर्मेशन को, गेन करती हैं। मोटर एरिया दोस्तों क्या होती है, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। ये वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हम लोग करते हैं हाथ से, पैर से, जो भी हमें करना है वो दोस्तों कंट्रोल करती हैं मोटर एरियाज। और दोस्तों एसोसिएशन एरियाज होते हैं दोस्तों वो रीजनिंग, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारे एसोसिएशन एरिया में होता है, ब्रेन में। तो ये बेसिकली तीन बेसिकली एरिया होते हैं जहां जहां पे हमारे काम करते हैं। जैसे मैंने फ्रंटल लोब आपको बताया, ऑक्सीपिटल बताया, ये सब भी उसी के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के बारे में बताया है कि ये क्या होते हैं दोस्तों। थैलेमस की बात करें तो इट रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। ये बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेरिब्रम से गेन करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। हाइपोथैलेमस इज फॉर्म्ड द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से रखेंगे। हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों ये दो चीज़ के बीच के लिंक होते हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है और दूसरी हमारी इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि नर्वस सिस्टम से गेन करते हैं और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको फियर वाला शुरुआत में एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी चीज़ को देख के डर गए, ठीक है। तो ये स्टिमुलस आया, जो डर, जो चीज़ हमने भयानक चीज़ देखी वो एक स्टिमुलस था, वो आया और बदले में दोस्तों वहाँ पे हमारे हॉर्मोन्स की जो एक्टिविटी थी, एंडोक्राइन एक्टिविटी, वो इंक्रीज हो गई। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में हाइपोथैलेमस काम करता है और हाइपोथैलेमस बगैर थैलेमस के काम नहीं करेगा। मिड ब्रेन दोस्तों इज कनेक्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हिंड ब्रेन की बात करूँ दोस्तों तो कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों बस वही चीज़ें बता रहे हैं कि हिंड ब्रेन भी उसी तरह काम करती हैं, लेकिन दोस्तों हिंड ब्रेन में मैंने बताया आपको पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगाटा और दोस्तों वहाँ पे होती है हमारी एक और भी स्ट्रक्चर होता है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या करते हैं आपस में मिल करके, ठीक है, जैसे पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगाटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और सेरिबेलम था वहाँ पे, यस। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिल करके वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। तो ये पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, मैंने आपको बता दिया, इस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है हमारा जो सिनेप्सिस की प्रोसेस है, इसको इंपॉर्टेंटली देखिएगा। ये हमारा जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन है जिससे कि इंफॉर्मेशन आ रही है। तो दोस्तों यहां से क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है वो आई और कहां गई, दूसरे में। तो ये प्री सिनेप्टिक है, ये क्या है हमारा दोस्तों, प्री सिनेप्टिक है, और ये हमारा पोस्ट। तो इनके बीच में दोस्तों जो एरिया है वो यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये क्या है दोस्तों, न्यूरो ट्रांसमीटर है, छोटे छोटे पाउच हैं, केमिकल्स हैं जिसको हम लोग एसेटिल कोलिन भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को गेन कर रही है दूसरी वाली न्यूरॉन सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे की तरफ दोस्तों बात करते हैं, तो ये आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, देखो इसने आग को टच किया। और जैसे दोस्तों इसने आग को टच किया तो यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है दोस्तों, एक हमें ब्लू लाइन दिखाई दे रही है और एक हमें दोस्तों रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो ब्लू लाइन क्या करिए, आप देख रहे हो एरो किस तरफ है, मतलब बॉडी की तरफ है, तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन को लेता है, दैट्स अ स्टिमुलस। ये क्या है दोस्तों, स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस हमारी जा रही है और ये कहाँ पहुँच गई दोस्तों, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गई, और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और तुरंत दोस्तों वहाँ से जो एक्टिविटी, मैंने कहा बिना सोचे समझे जो एक्टिविटी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती है, ये ब्रेन में नहीं गई दोस्तों। और ये यहाँ पे आ गई सीधी जो है, हमने ये कहाँ पे आई, ये न्यूरॉन सेल हमारी मसल से आकर के जुड़ी हुई है। हमने क्या किया, मसल से जुड़ी होने के कारण अपने हाथ को वहाँ से हटा लिया। ये मोटर न्यूरॉन का काम है जो कि हमारे इफरेंट करती हैं, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारे इफरेंट होते हैं जो जो कि लेकर के इन्फॉर्मेशन मसल्स को देते हैं। और दोस्तों जो मसल्स
सेल से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं वो हमारे अफरेंट न्यूरॉन सेल या फिर इन्हीं को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग एंगल्स है, तो आप इनको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन के टाइप्स बता दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका एक माइंड पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसमें दो आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में दोस्तों तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन में हम लोग दो पार्ट सेरिबलम डायसीफेलॉन, हिंड ब्रेन में दोस्तों पॉन्स सेरिबेलम मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, और दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग बेसिकली तीन तरह के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन को ले जा रहे हैं, एक ले आने का काम कर रहे हैं, और दोस्तों ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ ये होते हैं दोस्तों हमारे मोटर बेसिकली, और जो विसरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये मोटर न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। अगर दोस्तों बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो बहुत सारी ऐसी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें रोल प्ले करते हैं दोस्तों। क्रेनियल नर्व दोस्तों वो नर्व्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स होती हैं जो बेसिकली हमारे ब्रेन से निकलती हैं, दैट्स आर नोन एज क्रेनियल नर्व। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं हम बना सकते हैं। और दोस्तों अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट पढ़िएगा, और जो भी क्वेश्चन हो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप उसको भी बता दीजिएगा, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया उसको भी बता दीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए ये कैप्सूल कोर्स भले है लेकिन कोई भी टॉपिक या कोई भी क्लास में आप एक घंटे देते हो कि नहीं देते हो, तो यहाँ पे मैं आपसे 30 मिनट या 45 मिनट्स लूँगा। तो बेसिकली इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हमको सजेस्ट कर देना यार, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने बेसिकली है मेजर ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों, अब पहली बात तो जानना ये जरूरी है कि इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली होती क्या है। दोस्तों नाम से क्लियर है, एक्सोक्राइन मतलब कि बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ मतलब कि जो चीज़ें हमारे ब्लड से होकर के नहीं जा रही हैं दोस्तों। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें हार्मोन्स ग्लैंड टू ग्लैंड जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं? ग्लैंड टू ग्लैंड जा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो सेलिवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड हो गई, ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड जो सेलाइवा सिक्रीट करती है, ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों वो बेसिकली किस तरह की ग्लैंड होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, क्योंकि ये डक्ट टू डक्ट काम करती हैं। इसमें कोई ब्लड का रोल होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग बेसिकली इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या करती हैं कि थैलेमस से आई हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन दोस्तों गोज ये जाती हैं हमारे कहाँ पे? ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। कहाँ पे मिक्स हो जाती हैं? ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। तो इस भी पार्ट को दोस्तों हम लोग जान करके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे बात किया हुआ है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हमने पाँच कॉलम बनाए हुए हैं, पाँच कॉलम आप देखेंगे तो हमने पांच कॉलम कौन कौन से बनाए हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है हमारा ग्लैंड, ग्लैंड में दोस्तों हमने हाइपोथैलेमस बताया है, पिट्यूटरी ग्लैंड बताया है, थायरॉयड ग्लैंड बताया है एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये मैंने यहाँ पे चार तरीके के डिफरेंट ग्लैंड्स बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी का मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसिकली ये ग्लैंड नहीं है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हार्मोन्स दैट रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब जो ऊपर की तरफ, जो हाइपोथैलेमस का जो ऊपर का पोर्शन था जहाँ से हाइपोथैलेमस खत्म होती है, उस पोर्शन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मतलब पिट्यूटरी बिल्कुल जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से बिल्कुल पिट्यूटरी हमारी जुड़ी होती है। तो जहाँ पे जुड़ी होती है दैट्स अ पोस्टीरियर पोर्शन, और जहाँ से रिलीज होती है मतलब कि हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, हाइपोथैलेमस के पोर्शन के जस्ट नीचे कौन सा होगा? पोस्टीरियर रीजन होगा, ठीक है ना, कौन सा रीजन होगा? पोस्टीरियर। और जस्ट जहाँ पे पिट्यूटरी का एंड होगा तो वो होगा इंटीरियर रीजन, वहाँ से हार्मोन्स क्या होगी? सिक्रीट होगी, और दोस्तों वो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन दोस्तों, अब ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो कि रिलीज होती है, आती किसके अंतर्गत है, किसके थ्रू आती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू आती है। डिसाइड कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, मतलब ब्रेन कर रहा होता है। और ये बेसिकली दोस्तों क्या होता है? पेप्टाइड होते हैं, केमिकल क्लास इनका क्या होता है? पेप्टाइड होते हैं। और दोस्तों इनका जो रिप्रेजेंटेटिव एक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड एंड यूटेरस, कॉन्स्ट्रिक्शन का जो काम करते हैं, पेन का जो काम करते हैं वो बेसिकली दोस्तों ऑक्सीटोसिन करते हैं एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। यू नो एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन वगैरह जो होता है, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे
जो पेन होता है बॉडी में या फिर जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यूटेरस में बेबी को बाहर निकालने के लिए, तो वो सभी चीज़ें दोस्तों वो ऑक्सीटोसिन था दोस्तों। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बाइंड हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं बेसिकली, तो उसका भी रोल दोस्तों कभी मेंशन करेंगे। एंटी डायबिटिक हार्मोन्स ADH, ये भी पेप्टाइड होता है बेसिकली दोस्तों। किडनी में जो हमारा वाटर वगैरह को रिटेंशन होता है, जो वाटर वगैरह की जो सेविंग होती है, जो मेंटेनेंस होता है, जो रेगुलेशन होता है, वो दोस्तों होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के द्वारा। उसके बाद दोस्तों है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स GH, दोस्तों मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो आपको पता है यार ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं। प्रोलैक्टिन दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मेमरी ग्लैंड में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नो डाउट दोस्तों ओवम और स्पर्म सेल्स जो बनती हमारी, वो दोस्तों FSH हार्मोन्स के सिक्रीशन से ही बनती है। फीमेल में दोस्तों ओवम को सिक्रीशन को इंक्रीज करती है, मतलब उसको बना करके रखती है, और स्पर्म मेल में दोस्तों स्पर्म को। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ लुटिनाइजिंग हार्मोन्स की, तो दोस्तों ये भी दोस्तों ओवरीज और टेस्टिस में, तो ये जो फॉलिकल, लुटिनाइजिंग, ऑक्सीटोसिन, ये सभी दोस्तों बेसिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में ही आते हैं, और ये रिप्रोडक्शन के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हाई और लो लेवल पे होते हैं। ओवरीज एंड टेस्टिस लुटिनाइजिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं दोस्तों। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करूँ तो ये दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड में पाए जाते हैं। आपको पता है कैल्शियम जो चैनल होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, वो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर जो एड्रेनालिन, जो बेसिकली स्टीरॉयड का काम करते हैं, जो बेसिकली हमारे प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर्स वगैरह को, उनका काम दोस्तों होता है बेसिकली ACTH का। थायरॉयड ग्लैंड दोस्तों इसमें आपके ट्राईआयोडोथायरोनिन है, ठीक है, थायरोनिन है, थ्रियोक्सिन है, जिसको दोस्तों हम लोग बेसिकली T3 T4 कहते हैं। ये भी दोस्तों हमारे अलग ग्लैंड है, दैट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरी एक ग्लैंड दोस्तों थायरॉयड ग्लैंड, जो कि इसी में से हमें ये भी हमारी एंडोक्राइन का एग्जाम्पल होती है। इसमें दोस्तों हम लोग बेसिकली दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी दोस्तों एक एमाइन होती है और एक पेप्टाइड होती है। इनका काम होता है दोस्तों मेंटेन मेटाबॉलिक प्रोसेस, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल दोस्तों, तो ये भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, जैसा कि मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपको बता दिया है दोस्तों। आगे यहाँ पे है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग PTH या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। ये दोस्तों रेज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, ये क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, कैल्शियम लेवल को लोअर करता है और एक कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जैसे कैल्सीटोनिन है वो दोस्तों घटाता है, दूसरी तरफ जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो उसको क्या करता है, बढ़ाता है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ रेगुलेटेड बाई, तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है और कुछ दोस्तों हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, उसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट होते हैं दोस्तों। यही चीज़ हमारे थायरॉक्सिन में भी देखने को मिलता है, और बाकी जो भी हार्मोन्स है वो सभी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो ये दोस्तों ये मेजर ह्यूमन हार्मोन्स थे, जो कि आपको इस चार्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को नहीं समझते हो ना तो आप गए हो काम से, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लांट हार्मोन्स के बारे में दोस्तों। देखिए प्लांट हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर मैं बात करूँ तो अगर ये वीडियो अगर कोई इंटरमीडिएट का बच्चा देख रहा है तो वो भी इसको देख सकता है, समझ सकता है दोस्तों। बेसिकली जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो एक ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। प्लांट में बेसिकली कोई भी चीज़ दोस्तों, ग्रोथ हो गई, फ्रूट राइपनिंग हो गई, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस हो गई, सीड जर्मिनेशन हो गई, ग्रोथ तो बेसिकली है ही, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दोस्तों ये सभी की सभी किस पे डिपेंड करती हैं, हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। प्लांट में पाए भी बेसिकली अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करूँ तो 5 तरीके के हार्मोन्स हम लोग देखते हैं। जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और भी हैं जो कि हमारे सेकेंडरी टाइप से होते हैं, लेकिन बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर इस चार्ट में दोस्तों जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अगर यहाँ पे अगर आप और भी हार्मोन्स के बारे में देखने को हमें मिलता है तो मैं उसके बारे में भी आपसे मेंशन करूंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो हार्मोन्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो प्लांट होता है उसके हर एक पार्ट में पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कोई हार्मोन्स लीफ में है तो वो अदर कोई हार्मोन्स नहीं होगा वहाँ पर लीफ में, ऐसी बात नहीं है। हर एक हार्मोन्स प्लांट के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन बस अंतर इतना होता है जिस हार्मोन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जिसका ज़्यादा होता है एक्टिविटी दोस्तों
उसी की हमें दिखाई देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि हार्मोन्स, हर एक हार्मोन्स प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट्स में पाए जाएंगे, पार्ट्स में पाए जाएंगे। बॉडी कहाँ से आ गई, ठीक है, मतलब हर एक पार्ट्स में पाए जाएंगे, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक्टिविटी उसी की होगी उस पार्ट में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। मतलब अगर अगर कोई एपिकल पार्ट है, अगर कोई टिप है, अगर उस पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्टिविटी ऑक्सीजन की ही देखने को मिलेगी, जब तक साइटोकाइनिन वहाँ पर रहेगा, लेकिन उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। तो ग्रोथ कौन कराएगा, ऑक्सीजन कराएगा। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जब जो सीड होता है दोस्तों, उसमें एब्सिसिक एसिड भी होता है, एथिलीन भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग कंडीशंस किसके फेवरेबल कर देंगे, जिब्रेलिक एसिड के फेवरेबल कर देंगे, तो जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा, और जब जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा तो वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा, मतलब सीड को जर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सीड जर्मिनेशन क्या होता है। सीड जर्मिनेशन मतलब जब सीड, कोई भी सीड होती है, तो जैसे कि मान लो गेहूं का है, ठीक है, वीट का प्लांट है, वीट की सीड है, हमने उसको क्या किया कि किसी गर्म जगह पे रख दिया, हॉट टेम्परेचर में रख दिया, जहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसके कंडीशन को फेवरेबल नहीं दिया। तो उस समय वो प्लांट जो है, वो सीड जो है, वो स्ट्रेस कंडीशन में, किस कंडीशन में है, स्ट्रेस कंडीशन में। तो स्ट्रेस कंडीशन में वहाँ एक हार्मोन्स काम करता है, एब्सिसिक एसिड, ABA। वो कंडीशन में उस ड्रॉट और ड्राई और क्या कहते हैं हॉट टेम्परेचर में उस सीड को जर्मिनेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस टेम्परेचर में वो जर्मिनेट करेगा, अच्छा होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स प्लांट के लिए अच्छा होता है, उसको मत मानना कि वो सीड जर्मिनेशन नहीं करता तो वो ख़राब होता है, बेसिकली वो भी अच्छा होता है। और इतनी चीज़ जान करके रखो कि मतलब उसको पता होता है कि अगर ये स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करेगा प्लांट हमारा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए बेसिकली वो उसको रोक करके रखता है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खेतों वगैरह में पानी वानी डालते हैं, मिट्टी को थोड़ा एयरेटेड बनाते हैं और उसमें सीड को हम लोग डालते हैं, तो तुरंत प्लांट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ग्रो करने का मीन्स ये है दोस्तों कि कुल मिलाकर के जैसे ही हम टेम्परेचर ऐसा देते हैं कि जो कि जिब्रेलिक एसिड के लिए अच्छा होता है, तो जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, जिससे जिब्रेलिक एसिड क्या कर देता है कि सीड को जर्मिनेट कर देता है। अभी प्रोसीजर है सीड को कैसे जर्मिनेट करता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको और भी ज़्यादा वीडियोस को देख लेना। बहरहाल मैं यहाँ पे चार्ट की तरफ नज़र डालता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा मेंशन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आपके सामने हार्मोन्स है वो है ऑक्सिन, जिसको हम लोग बेसिकली IAA और इंडोल 3-एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये ऑक्सिन का नेचुरल फॉर्म होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा फॉर्म होता है, नेचुरली, मतलब ये प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं। वी आर प्रोड्यूस्ड और फाउंड इन प्लांट, बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने कहा कि प्लांट के हर पार्ट में पाए जाते हैं, एम्ब्रियो में भी पाए जाते हैं, सीड एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ऑफ सीड में भी पाए जाते हैं, मेरिस्टमैटिक ऑफ मेरिस्टम्स ऑफ एपिकल बर्ड्स में ऊपर की तरफ, यंग लीव्स में भी ये पाए जाते हैं। तो मतलब तकरीबन पार्ट प्लांट के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं। इनका जो मेजर फंक्शन होता है दोस्तों, वो होता है स्टेम का इलोंगेशन, क्योंकि एपिकल पार्ट में होते हैं तो उसको लंबाई में भी ग्रोथ कराते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन यानी रूट ग्रोथ को कराते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरिस्टमैटिक सेल में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। एंड ब्रांचिंग भी कराते हैं, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का डेवलपमेंट भी करते हैं, इन्हेंस एपिकल डोमिनेंस, जो हमारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बेसिकली कच्चे होते हैं, उनका ये डेवलपमेंट भी कराते हैं, इन्हेंस एपिकल डोमिनेंस, एपिकल पोर्शन पे ज़्यादा होते हैं, फंक्शंस इन प्रोटो फोटोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविट्रॉपिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपसे मेंशन नहीं किया हुआ है। अब दोस्तों फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, कि जैसे कि मान लो कि ये लाइट इधर से आ रही है, ठीक है ना, देखो मेरे हाथ पे वैसे लाइट भी पड़े क्योंकि इधर एक लाइट लगी हुई है, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही वो लाइट। तो ये जो लाइट है दोस्तों, मान लो कि ये जो लाइट है दोस्तों, ये यहाँ से आ रही है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर कोई प्लांट लगाया है, ठीक है ना, तो ये जो लाइट आ रही है तो इधर की तरफ कौन सा प्लेस है, शैडो प्लेस है, कौन सा प्लेस है, शैडो है, और इधर की तरफ जिधर लाइट पड़ रही है, तो दोस्तों जिधर लाइट पड़ती है उधर की तरफ जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, और जिधर तरफ शैडो होता है उधर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा होने के कारण ये एरिया ज़्यादा ग्रो करेगा, ये एरिया क्या करेगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, और जब ये एरिया ज़्यादा ग्रो करेगा, ये एरिया कम ग्रो करेगा, ये इधर का वाला एरिया कम ग्रो करेगा, ये ज़्यादा, तो ये धीरे से इधर की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा भारी भी होगा
और ये मोमेंटम इसको इस तरह का मिलेगा। और जब इस तरह का मोमेंटम, दोस्तों मोमेंटम क्या मिलता है, मतलब इधर की सेल कम दिखती भी है तो आपको ऐसे बेंडिंग टाइप की दिखेगी। और जब दोस्तों इसी बेंड को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, मतलब प्लांट का स्टेम जो है वो हमारे लाइट की तरफ झुक जाता है, बेंड हो जाता है, तो इसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसी तरह दोस्तों ग्रेविट्रॉपिज्म है जो हमारा बेसिकली जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, रूट हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाती है, क्योंकि दोस्तों मान लो कि ये हमारा सॉयल है, ये क्या है हमारा सॉयल है, और ये दोस्तों हमारा रूट, मैंने एक पोर्शन रखा हुआ है, और ये रूट की ब्रांचेस, तो हमेशा ये नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, कहाँ की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अब दोस्तों ये नीचे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की तरफ जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, और ग्रेविटी के अपोजिट में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि इधर वाला पोर्शन ऊपर वाला ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जैसे कि वहाँ पर मैंने करा, जब ग्रोथ ज़्यादा करेगा तो किधर मुड़ जाएगा, इस तरफ से ही मुड़ जाएगा, मतलब कि ऐसे रहेगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली दोस्तों जियोट्रॉपिज्म है, ग्रेविट्रॉपिज्म है, ये भी दोस्तों ऑक्सीजन के कारण ही हमें देखने को मिलता है। फिर करता है, मतलब सेल को लूज नहीं करता है, सेल को लूज कर देता है, थोड़ा
आते हैं एजिंग लीव्स एंड फ्लावर में, बहुत पुरानी जो लीव्स होती है उसमें भी हमें आते हैं देखने को मिलता है, जो येलोविश हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, और फ्लावर्स में भी हमें आते हैं देखने को मिलता है। प्रमोट्स रूट राइटनिंग, मैंने जैसे कहा आपको समोक्सिन इफेक्ट ऑक्सिन के इफेक्ट के अपोजिट होती है, प्रमोट्स एंड इनहिबिट बोथ द डेवलपमेंट ऑफ रूट, कभी कभी रूट के डेवलपमेंट प्रमोट करती है, कभी कभी उसको इनहिबिट भी करती है, एंड फ्लावर के डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती है। साथ में दोस्तों डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज डिपेंड करता है कि फ्लावर वाली स्पीशीज का। बेसिकली था आपका प्लांट हार्मोन्स, और दोस्तों आज इस टॉपिक पे मैंने बात किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों कोई भी टॉपिक, कोई भी सुझाव जो आपको न समझ में आया हो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यार फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को आपको एक साथ पढ़ना है। वीडियो को पूरा देखिए यार, और पसंद 100% आएगा यार। यूट्यूब दिख रहा है ना, रेड बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? प्लीज़, थैंक यू।